बहुत तेज बारिश हो रही है, भागना पड़ेगा। मुझे चलानी है एक्चुअली। कैसे जाएंगे अभी? नाउ यू आर गोइंग टू सेट ओवर हियर। पहले पैर ट्रांसफर कर। विवेक मेरी सारी बात सुन के पहली बार कर रहा है। तो जूता निकाल क्या? वाह ये देखो, इसने पीछे ये चेयर नीचे करके डिग्गी से सामान भी ले लिया। क्या होता अगर मंजरी से शादी नहीं होती मेरे? तो मैं अभी बारिश में गीला हो रहा होता। तेज बारिश हो रही है गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेट मी पुट ऑन माय ग्लासेस बिकॉज़ विद ग्लासेस आई लुक सेक्सी। आप सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट लाइकली वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। मतलब जैसे यहाँ पे हवा चल रही है और जैसे मुझे फीलिंग आ रही है कि इट्स वेरी गुड चांस दैट डोनाल्ड ट्रंप विल विन द इलेक्शन, अनलेस उनको अपोजिशन पार्टी कोई केस में फंसा दे और वो इलेक्शन में लड़ ही ना पाए। बट वो सब अगर नहीं होता है एंड ही गेट्स टू फाइट द इलेक्शन, देन गुड चांसेस दैट ही विल बिकम द नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उस केसेस में हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो क्या क्या इमिग्रेशन चेंजेस या इमिग्रेशन पॉलिसीज में मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे बहुत सारे इमिग्रेशन रिफॉर्म्स आए थे, रूल्स बिकेम वेरी टाइट एंड देन न्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं एग्जैक्टली नंबर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 472 डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वर पास्ड, वो भी सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। इमिग्रेशन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है यूएस इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होता है। द होल वर्ल्ड वॉन्ट्स टू कम टू अमेरिका एंड लाइक फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर चांस, और बहुत सारे लोग बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके अमेरिका आते हैं। तो इसीलिए इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा एजेंडा है इन एनी यूएस इलेक्शन। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस का जो फेडरल गवर्नमेंट है विच इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसके तीन मेन ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है लेजिस्लेटिव ब्रांच विच इज द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों को कंबाइन करके हम कांग्रेस बोलते हैं। और उसका काम है कि वो लोग अमेंडमेंट्स, रूल्स या फिर लॉ को बनाते हैं, ठीक है। तो इट्स सिमिलर टू लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर दोनों हाउसेस से पास होंगे, देन दे बिकम लॉस। दूसरा ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसका जो हेड है वो कमांडर इन चीफ इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। व्हाइट हाउस में उनका पूरा ऑफिस है, सेटअप है। तो यूएस प्रेसिडेंट को पावर देता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कोई भी नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बना सकते हैं इफ ही थिंक्स इट इज नेसेसरी, और वो उसको पास कर सकते हैं एंड देन एवरीबडी हैज टू फॉलो इट बेसिकली। और थर्ड जो ब्रांच है वो है अपना जुडिशियल ब्रांच विच इज नथिंग बट द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेगा कि ये लीगल है कि इलीगल है। तो ये तीनों ब्रांचेस आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस में रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगा, बेसिकली उसको रूल आउट कर देगा कि आप नहीं कर सकते वैसा काम। जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का पूरा फायदा उठाता है टू मेक द चेंजेस विच ही प्रॉमिस टू हिज वोटर्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली वो करेंगे ही। लास्ट टाइम व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन द इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, एंड व्हेन ही कम्स बैक टू पावर अगेन दिस टाइम ही विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ मोर चेंजेस। और जो लास्ट टाइम कर पाए थे वो कर लिए थे, बट जो नहीं कर पाए थे उसको करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो ठीक से नहीं हो पाया था उसको और एनहांस करने की कोशिश होगी ऑब्वियसली। डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास हुए थे, बट वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अपने लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विच वर रिलेटेड टू F1 वीजा एंड H1B वीजा, बिकॉज दैट इज वॉट इज going to concern Indians who are coming here legally. और बहुत सारे जो executive orders थे वो related to illegal immigration, जैसे जो border cross करके बहुत सारे लोग Mexico से आ रहे हैं, Mexico से नहीं अब तो पूरी दुनिया से लोग cross करके America में enter कर रहे हैं और government उनको रहने की भी जगह दे रही है और उनको ED card भी दे रही है, which I feel is totally wrong. मतलब illegally coming to America has become easy than coming legally. और होपफुली जब ये नई गवर्नमेंट बनेगी तो ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टर्म के बारे में कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द इमिग्रेशन पॉलिसी एंड ऑल, बट वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको बहुत सारा पुशबैक मिल रहा था। बट उसी टाइम पे कोविड आ गया, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्रुप है उसने पूरा फायदा उठाया कोविड का। और कोविड में क्या था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नेचुरली लग रहे थे, तो उसका पूरा फायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने और
रूल्स को और टाइट कर दिया, 7 कंट्रीज से एंट्री बैन कर दी, अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सब जगह पे वीजा इश्यूएंस एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इंडिया में तो इतना सिचुएशन था कि 90% कम हो गए थे वीजा इश्यूएंस, तो जैसे जो नए बच्चे हैं जो अमेरिका में पढ़ने आना चाहते हैं उनको वीजा नहीं मिल रहा है, या फिर वेट टाइम इतना बढ़ गया था कि आपको अपना वीजा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा तो आपको वीजा कैसे मिलेगा। H1B वीजा वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि अगर आप इंडिया जाते हो देन यू कैन नॉट कम बैक क्योंकि ट्रैवल बैन लगा हुआ है, आपको एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा कि यार आपका जो जॉब है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, तब आपको वो लेटर एम्बेसी को भेजना पड़ेगा एंड यू हैव टू गेट दैट अप्रूव एंड देन यू कैन फ्लाई बैक। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टर्म में, और मुझे फ्रेंकली लगता है कि इस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो ये रिस्ट्रिक्शंस प्लस वन हो जाएंगे, लाइक और इंटेंस रेगुलेशंस लगने वाला है और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ही टाइट रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं ताकि इसको वो लोग जड़ से खत्म करना चाहते हैं मोस्ट लाइकली। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपना टूर कर रहे हैं उन्होंने अपने स्पीचेस में बोला भी है कि अगर मैं पावर में आता हूं तो सबसे बड़ा डिपोर्टेशन एफर्ट होगा, जो भी लोग यहां पे इलीगली रह रहे हैं सबको वो लोग कैप्चर करेंगे और अपनी कंट्री वापस भेजेंगे। गिवन द अनप्रेसिडेंटेड मिलियंस ऑफ बाइडेन इलीगल एलियंस हु आर इनवेडिंग आवर कंट्री, इट इज ओनली कॉमन सेंस दैट व्हेन आई एम रीइलेक्टेड वी विल बिगिन एंड वी हैव नो चॉइस the largest deportation operation in American history we have done. But now let's come to F1 visa and H1B visa and try to understand what they were trying to do last time, which they could, like some of it they could and some of that they were not able to do. So let's discuss that. तो F1 visa के लिए सबसे पहले बात करूंगा, एक बहुत बड़ा discussion हो रहा था कि अभी कैसा है कि F1 visa is a student visa but you get the visa for 5 years. तो बहुत सारे लोगों को ये problem है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करने आ रहे हो देन वाई यू आर गिवन दिस ऑप्शन वेर यू कैन बी ऑन OPT एंड देन वर्क फॉर 2 years. तो ये डिस्कशन जरूर हुआ था कि अगर स्टूडेंट जो कोई यहाँ पे पढ़ने आ रहा है तो उसको सिर्फ पढ़ाई करने का ही ऑप्शन है, उसको आप काम करने का ऑप्शन क्यों दे रहे हो। देर वॉज लाइक टॉक्स कि ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसा रूल कि OPT को खत्म कर देंगे और आपको सिर्फ यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके वापस जाना है। अगर ऐसा कोई रूल आता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड, कोई अमेरिका में पढ़ने आएगा ही नहीं मोस्टली इंडिया से, क्योंकि अमेरिका में हम तभी पढ़ने आते हैं कि यार हम एटलीस्ट पढ़ाई करने के बाद थोड़ा काम कर सकेंगे और अपना एटलीस्ट जो लोन लिया है या फिर जो खर्चा किया है पढ़ाई करने में एटलीस्ट वो तो रिकवर हो पाएगा थ्रू OPT एंड CPT। बट अगर वो ही नहीं रहेगा तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इतने सारे बच्चों को एजुकेशन देती हैं वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिनसे ये लोग डबल पैसा लेते हैं, मतलब जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस बहुत कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ज़्यादा फ़ी पे करते हैं, तो ये स्कूल्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू हिट होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, बट ये डिस्कशन हुआ था और लास्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करने की बातें चल रही थी और ये न्यूज़ में भी आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन हैपन, बट आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन बहुत ही डिफिकल्ट है ये होना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे लास्ट टाइम, 7 countries मुस्लिम कंट्रीज से ऑलरेडी बैन लगा हुआ था जहाँ से सबकी एंट्री बंद थी, तो उसमें स्टूडेंट्स भी थे, जो ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे, देवर इन द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फॉर द हॉलीडेज इफ दे वेंट टू देयर कंट्री एंड वो कंट्री वो 7 list में थी तो दे के नॉट कम बैक इवन दो दे आर लाइक अ वैलिड स्टूडेंट हुआ स्टिल स्टडिंग इन अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में ऑलरेडी बोला है कि इस टाइम वापस ट्रैवल बैन लगेगा एंड इट्स गोइंग टू बी इवन बिगर, तो आई थिंक अफगानिस्तान और हमास ये दो जो जगह है वहां से भी US में एंट्री बंद हो जाएगी। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. On day one, I will immediately restore and expand the Trump travel ban. Israel versus Hamas का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में थे दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर ऑन द रोड एंड दे वर लाइक स्टाउटिंग स्लोगन्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीचेस में ये भी बोला है कि उन बच्चों को पकड़ेंगे और डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। इट कुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड इट कुड बी वेरी बैड, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग, दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग इन हिज स्पीचेस, सो आई जस्ट नीड टू टेल यू दैट। ये तो हो गई बातें अबाउट F1B वीजा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट H1B, क्योंकि H1B में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस टाइम में एक सबसे बड़ा चेंज जो आया था वो ये था कि मिनिमम वेज काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी। होता क्या था कि जो एम्प्लॉयर्स थे जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे वो उनको पे कम ही देते थे, बट द होल पॉइंट ऑफ H1B वीज़ा इज़ कि उनको अमेरिका में इन हाउस टैलेंट नहीं मिल रहा है इसीलिए वो लोग इंटरनेशनली हायर कर रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि उनको आपको पे भी सिग्निफिकेंटली करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अमेरिका में वो लेवल का टैलेंट मिला ही नहीं। बट एम्प्लॉयर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और मतलब
जो मिनिमम वेज था वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो लोग कम पैसे में इंटरनेशनल लोगों को हायर कर लेते थे वीज़ा का लालच दे करके, और उससे फिर उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो उसको फिक्स करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूल पास किया कि अगर आप किसी इंटरनेशनल को हायर कर रहे हो तो आपको उसको पे भी वो लेवल पे करना पड़ेगा विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन वॉट यू विल पे एन अमेरिकन वर्कर। तो वहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप था। इन अ वे आई कुड से कि जो ऑलरेडी H1B वीज़ा पे थे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, उनको बेनिफिट मिला उसका कि उनका सैलरी इंक्रीज हो गया। बट एक्चुअली में उसने किया क्या कि इट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयर्स टू नाउ हायर इंटरनेशनल पीपल, क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ गया उनका। तो एम्प्लॉयर्स प्रिफर करेंगे कि वो लोकली हायर कर लें इंस्टेड ऑफ हायरिंग इंटरनेशनल। तो ये एक बड़ा चेंज था, और मोस्ट लाइकली व्हेन ही कम्स टू पावर अगेन ही विल ट्राई टू मेक सम मोर मॉडिफिकेशन। दिस टाइम आई एम होली होपिंग कि कुछ अच्छे चेंजेस आए। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के एक और कैंडिडेट हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, और देयर इज अ चांस दैट ही कुड बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, एंड ही प्रपोज्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग रूल वेयर ही वांट्स टू कंप्लीटली चेंज द H1B प्रोग्राम। तो जैसे अभी H1B प्रोग्राम है वो लॉटरी सिस्टम है, ही वांट्स टू रिप्लेस हिस एंटायर सिस्टम एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ मेरिट बेस्ड सिस्टम जो कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसमें होगा क्या कि आपकी प्रोफाइल बनेगी और आपके एक्सपीरियंस, आपके एज और उन सारे फैक्टर्स को काउंट किया जाएगा और आपको एक स्कोर दिया जाएगा। तो जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको H1B वीज़ा मिलेगा, जिसका स्कोर कम है उसको नहीं मिलेगा। तो मतलब ये एक तरह से इन माय ओपिनियन इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बैड डील, क्योंकि कनाडा ऐसा ऑलरेडी करता है और वहाँ पे फिर जो ज़्यादा एलिजिबल है उसको मिल जाता है, जो कम एलिजिबल है उसको नहीं मिलता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इससे होगा जो मैं देख सकता हूँ कि अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो आप सोचो कि जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस कम है। हाँ, उनके पास एज का फैक्टर आ जाएगा कि उनकी एज कम है तो उनको एज के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनके पास टैलेंट उतना नहीं है तो उसकी वजह से उनके पॉइंट्स कम हो सकते हैं। एंड आई वॉज रीडिंग समवेयर कि अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो एंट्री लेवल जो जॉब्स है ना वो एकदम चले जाएंगे, एंट्री लेवल पे H1B वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट टू लेट यू नो दैट विवेक रामास्वामी हिज पेरेंट्स वर इमिग्रेंट्स हु केम टू अमेरिका एंड ही इज अ सन ऑफ एन इमिग्रेंट, सो सम पीपल गेट शॉक दैट लाइक हिम बीइंग एन इमिग्रेंट व्हाई इज ही मेकिंग टफ फॉर अदर्स टू कम हियर। बट अगेन ही इज एन अमेरिकन सिटीजन एंड हिज गोल इज टू थिंक गुड थिंग्स अबाउट अमेरिका एंड नॉट लाइक इंटरनेशनल पीपल और इंडियंस। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये सब चेंजेस हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का एंटी इमिग्रेशन एक स्टांस तो है ही। एक तरीके से ये भी है कि मोस्ट ऑफ हिज एनर्जी इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स इलीगल इमिग्रेशन दैट इज हैपनिंग थ्रू द बॉर्डर, और जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं उनके तरफ ज़्यादा अटेंशन है। बट ऑब्वियसली लीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी एक प्रेशर है, उसको फिक्स करने का एक एजेंडा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। आई होप थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लोग लीगली आना चाहते हैं, जो लोग रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा रूल्स ईजी हो जाए तो सबके लिए अच्छी बात होगी। मतलब इलीगल इमिग्रेशन जो कर रहे हैं दैट्स ऑब्वियसली इलीगल, सो दे कुड रिस्ट्रिक्ट दैट एंड दे कुड स्टॉप पीपल कमिंग इलीगली। बट इफ दे मेक द लीगल प्रोसेस ईजी देन इट मे बिकम ईजी फॉर अस इंडियंस। मोस्ट ऑफ अस आर कमिंग इलीगली, नोबडी वॉन्ट्स टू ब्रेक द रूल नेचुरली, राइट? लाइक इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन कि आप रूल फॉलो करो रूल नहीं फॉलो करो, तो 90% ऑफ पीपल वॉन्ट टू फॉलो द रूल एंड डू द राइट थिंग। बट जब आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, उसको इतनी सिचुएशन खराब हो जाती है कि जैसे जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है उनके कंट्री में, दे आर सब्जेक्ट टू लाइक बैड ट्रीटमेंट एंड दैट इज़ द रीज़न उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है टू गो टू अ बेटर प्लेस। ऐसी सिचुएशन में आदमी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है एंड दे आर फोर्स टू ब्रेक द रूल। सो आई सिंपथाइज विद देम एज वेल। आई होप व्हाट आई सेड मेड सेंस एंड इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक देन पुट देम इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से, कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।